हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, देखिए हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 8 तक देखे ना, हाँ 8 तक देख चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का PYQ है 2021 का, ठीक है, सेट नंबर ए है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 समझने का प्रयास करेंगे और आप जो है इन तमाम क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बता सकते हैं, हम भी आपको यहाँ जो है राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन द मेन काउज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो ब्लैक मनी, काला धन ऐसा नहीं कि वो काला होता है रंग में, नहीं ब्लैक मनी मुख्यतः ऐसे धन को कहते हैं, ठीक है, काला धन ऐसे धन को कहते हैं जिसपे कर नहीं दिया गया है। अगर जैसे आप कमाते हैं, ठीक है, 1 करोड़ का टर्नओवर है आपके ऊपर, मतलब आपकी कंपनी का 2 करोड़ का या 1000 करोड़ का, अब उसमें है कि आपने कुछ, जैसे अब 1 करोड़ का है तो उसमें आप 85 लाख दिखा रहे हैं, नहीं हमारी कंपनी तो 85 लाख ही का टर्नओवर करती है, तो 85 लाख आप दिखाओगे, अब 15 लाख का इधर कफलाबाजी करोगे, तो उस पर टैक्स नहीं दोगे, 85 लाख पे आप टैक्स दे दिए, 15 लाख पे नहीं दिए, तो जो 15 लाख है वही काला धन है, मतलब सरकार को उसमें उसका जो है कर जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, ठीक है। अब देखिए 4 ऑप्शन है, पहले हम ऑप्शन ए पढ़ते हैं कि ऑप्शन ए क्या कहता है। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल इस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउस। काला धन रहेगा तो रियल इस्टेट या लग्जरी हाउसिंग में पैसा डाइवर्ट होगा। ऑप्शन बी है इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रीशियस स्टोन ज्वेलरी एंड गोल्ड। अधिक पैसा होगा मतलब काले धन का, तो आप जो है गोल्ड ज्वेलरी सोना चांदी हीरे जवाहरात खरीदेंगे। ऑप्शन सी कहता है कि लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म। पॉलिटिकल पार्टीज को भी बहुत डोनेशन जाएगा, ठीक है, और रीजनलिज्म क्रिएट होगा, क्षेत्रवाद जिसको कहते हो। और ऑप्शन नंबर डी है लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेंजर ड्यू टू टैक्स इवेजन। सरकार को कर नहीं मिलेगा, सरकार विकास कैसे करेगी, इसके लिए आप कह सकते हो कि टैक्स की चोरी बहुत अधिक होगा। तो पता चिंता का विषय सरकार को क्या रहता है। ये सब सारे तर्क अपने अपने तरीके से सही है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा सरकार को नुकसान होता है उसमें कर नहीं मिलता, उसे टैक्स नहीं मिलता, जिससे सरकार को घाटा होता है। तो 9 का 4 ही स्टेटमेंट है और यही 4 ऑप्शन भी है, तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर विल बी द डी। सरकार के लिए जो मेन बरी है, चिंता का विषय है, वह यह कि उसे जो है कर का ना मिलना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मां, इसमें भी 4 ही स्टेटमेंट हैं और यही 4 ऑप्शन के तौर पर ही दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। ये 4 ऑप्शन में सबसे ज्यादा अधिक इन्फ्लेशनरी, ठीक है, में इफेक्ट प्रभाव कौन डालता है। देखिए पहला ऑप्शन है रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट, दूसरा ऑप्शन है बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डिफिसिट, सी का ऑप्शन है बोरोइंग फ्रॉम द बैंक टू फाइनेंस अ बजट डिफिसिट एंड डी का ऑप्शन है क्रिएशन ऑफ अ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डिफिसिट। देखो अगर अधिक उतार चढ़ाव होते हैं तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं, ठीक है, और उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, जैसे ए में है रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट, क्या पब्लिक डेब्ट दे पाएंगे जल्दी जल्दी, कर्जे चुका पाएंगे, फिर बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डिफिसिट, जो बजट डिफिसिट होगा उसको पे करने के लिए क्या आप जो है, ठीक है, कर्ज लेंगे, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक, बैंक से कर्ज लेंगे बजट डिफिसिट के लिए, ठीक है, या पब्लिक से लेंगे, दोनों ऑप्शन नहीं होगा।
पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास इन्फ्लेंट्री है, उस वक्त अगर आप कर्ज देंगे तो और स्थिति खराब होगी है। तो राइट आंसर विल बी द डी, क्रिएशन ऑफ अ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डिफिसिट। कभी भी जब ऐसी इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है, ठीक है, तो इफेक्ट जो पड़ता है बहुत चीजों पे पड़ता है, तो इससे बेटर सबसे ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रिएशन ऑफ अ न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डिफिसिट। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो किससे जो है मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा, ठीक है, मनी जो है मल्टीप्लाई करता है, कहता है ना लक्ष्मी चंचल होती है, तो पैसे से पैसा कमाया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इंक्रीजेज इन द कैश रिजर्व रेशियो इन द बैंक, क्या बैंक में अगर हम कैश अधिक जमा रखेंगे, मतलब बैंक वाले यही कह रहे, तो क्या इससे मल्टीप्लायर जो है इंक्रीज होगा अर्थव्यवस्था में, नहीं होगा। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही आप कह सकते हो ना कि काट दो। दूसरा है बी ऑप्शन में है कि इंक्रीज इन द सैचुरेटरी लिक्विडिटी इन रेशियो इन द बैंक, क्या बैंक का जो SLR है सैचुरेटरी लिक्विडिटी लिक्विडिटी रेशियो इसको बढ़ा दिया जाए, तो क्या इससे जो है मल्टीप्लायर होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सी का ऑप्शन देखिए है कि द इंक्रीजेज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपुल, अगर बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपुल मतलब अधिक से अधिक लोगों का खाता जोड़ना, अधिक से अधिक लोग जो है बैंक के कारोबार से, कारोबार को बैंक से लिंक करना, अभी देखते हो सब लोग जो है पेटीएम चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, मतलब सबके पास कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट है। अब जब बैंक अकाउंट होगा तो उसमें 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 50000 जितना जिसकी स्थिति सामर्थ्य हो उसमें जमा करेंगे, ठीक है, तो इससे पैसा अधिक मल्टीप्लाई होगा, अधिक बढ़ेगा। डी ऑप्शन देख लेते हैं कि इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, भाई पॉपुलेशन बढ़ेगा तो मान लेते हैं कि उससे रिसोर्सेस और अधिक खपत होगा, ठीक है, तो इसका तो कोई लिंक ही नहीं बैठता। लेकिन चलो 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, अगर हम लोगों की आदत या बढ़ा दे, देखते हो मोदी जी आए सबसे पहले क्या खुलवाए, खाता खुलवाए, जनधन अकाउंट 85,000 तक खुलवाए, लेकिन खुलवाए। आज देखो ये मोमोज और चाउमीन बेचने वाला भी अभी UPI और पेटीएम से डील करता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है कि नहीं, तो ये चीजें हो गई, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी द सी, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस, कैसे मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा, अगर द मोर नंबर ऑफ पीपल विल विजिट द बैंक एंड ओपन देयर बैंक अकाउंट एंड डिपोजिट देयर मनी इन द बैंक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखेंगे, ठीक है। विथ रिफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड देखो मार्केट का, अब जैसे लिबरलाइजेशन के बाद ये सिंपल सा सिद्धांत है, डिमांड एंड सप्लाई की पॉलिसी हर जगह लागू होती है, जहां भी ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन है, तो वही चीजें यहां भी कहा गया है कि विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी काउज्ड और इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किस किस से जो है डिमांड और पुल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है या उसके कारक हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, बी ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है फिजिकल स्टिमुलस, तीसरा ऑप्शन है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग बेसिस, चौथा ऑप्शन है हायर परचेजिंग पावर, पांचवा है राइजिंग जो है इंटरेस्ट रेट। तो ये तो पांच स्टेटमेंट दे दिए हैं, मुख्यतः पांच, और इसके बाद जो हमें ऑप्शन चुनना है, ए का है 1, 2 एंड 4, बी का है 3, 4, 5, सी का है 1, 2, 3 एंड 5 ओनली, एंड डी का है 1, 2, 3, 4 एंड 5 ओनली। तो देखो जब इतने नंबर ऑफ स्टेटमेंट और इतने नंबर ऑफ ऑप्शन दे दिए जाते हैं ना, तो सोच कहूँ ना दिमागवा खराब हो जाता है, और उस वक्त तो एग्जाम हॉल में एकदम प्रेशर रहवे करता है, तो ऐसे भी दिमाग पगलाना जाए, इसको ट्रिक अपनाइए इलिमिनेशन, सबसे पता लगाइए कि इसमें से कौन नहीं होगा। कई बार जो हम क्वेश्चन जो है को हम यह पता लगा लें कि कौन राइट आंसर नहीं है, मतलब कौन रॉन्ग है, कौन गलत है, ठीक है।
समझ में आए, मछली का जो है मुड़ी पकड़ के चलिए, पूछी पकड़िएगा तो स्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स क्वेश्चन में ही पता लगाइए कि कौन विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट, कौन ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक है। तो आप जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या होगा भाई, इससे डिमांड पुल बढ़ेगा, फिजिकल स्टिमुलस इससे डिमांड पुल बढ़ेगा, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस इससे डिमांड पुल, हायर परचेजिंग पावर इससे रेजिंग राइजिंग इंटरेस्ट रेट। अब बताइए आप ही कि अगर हम जैसे एक सरकार है और हमारी वो सरकार को हम लोग टैक्स देते हैं, भले हम नहीं देते, मतलब हमारा अभी उतना इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी जो देते हैं टैक्स, अगर उसका टैक्स बढ़ा दे, मान लेते हैं बढ़ा दे, जैसे आप अगर महीने का 5 लाख, अभी तो देखो बजट में 7 लाख कर दिया गया है, इससे अगर अधिक कमाते हैं, अगर बढ़ा दिया जाता है, तो मान लेते हैं आप अगर अधिक अपने आय का टैक्स में ही आप पे कर देंगे तो आपके पास कम पैसा बचेगा खर्च करने के लिए। आदमी जो है, सामान्य जनता जो है, खर्च कब करती है, जब उसके पास हाथ में पैसा रहे, और हाथ में जब पैसे नहीं रहेगा तो खर्च कैसे करेगी। सिंपल सी लॉजिक है इकोनॉमिक्स में, जब तक सिटीजन के हाथ में परचेजिंग पावर जो कैपेसिटी है वो अगर नहीं होगा तो कोई भी चीज को परचेज कैसे करेगी, ठीक है। तो मेरे अनुसार से, ठीक है, ये पांचवा जो है ये गलत है, ठीक है। ये जो पांचवा ऑप्शनवा है ना, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ये गलत होगा। अगर आप सलाह सरकार हमसे ज्यादा कर वसूलेगी तो हमारे पास तो पैसा कम होगा, कम होगा तो हम कम सामान खरीदेंगे, कम खपत करेंगे, और जब कम खपत कर देंगे तो डिमांड इसका कम होगा, पैसा हमारे हाथ में अधिक होगा, हम अधिक चीजों को खरीदेंगे, अधिक चीजों को खरीदेंगे तो डिमांड अधिक बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा। तो लॉजिक यहां लगाइए, 5 नंबर का ये जो ऑप्शन है, ठीक है, स्टेटमेंट, वो गलत है। अगर ये 5 गलत है तो बी सी एंड डी, ये तीनों के तीनों गलत है, बचेगा एक, और एक ही जो है ए नंबर वाला, 1, 2 और 4, मतलब 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ए। बात समझ में आ गया। ऐसे बनाते हैं इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन को। चलिए, आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अभी हम इसे यहीं समअप करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।